चलो बच्चा, सबको गुड मॉर्निंग। कई बार क्या होती है, क्लास कंटिन्यूटी में होती है, तो अगर पिछली क्लास थोड़ी लेट से ख़त्म होती है तो इस क्लास को शुरू होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, था एक आध दो मिनट, तो इसके लिए बॉदर नहीं करना, ठीक है? चल, आई होप सबने होमवर्क करके रखा होगा। अभी क्या है, ये बेबी स्टेप्स हैं। बेबी स्टेप्स कहने का मतलब है, शुरू में आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं, बट शुरू में हल्का आसान रहता ही है। धीरे 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 करके हम लोग उस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से। कल तो बता ही दिए थे, सबके पास क्वेश्चन होगा ही, तो आंसर करना शुरू करोगे, या फिर हो सकता है लंबे सेंटेंसेस से दिक्कत हो, हम खुद लिखते चलते हैं। तो हमें क्या करना था, इन सभी टर्म्स को डिफाइन करना था और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी थी हमें कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को अगर डिफाइन करना हो, उनके बारे में अगर बताना हो तो कैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, कैसे वाक्यों का प्रयोग करेंगे। तो जैसे कॉलीफ्लावर, तो वी नो, हम सभी को पता है कि यह सब्जी है, तो लिखेंगे कैसे, तो बस वही, इट इज अ वेजिटेबल। अ पिजन, एन ईगल एंड अ क्रो, तो एक से अधिक चीज, सॉरी, चेस वाला तो कल बता दिए थे ना बच्चा, इट इज़ अ गेम, यह एक क्या है, खेल है। इट इज़ अ गेम लिखो, इट इज़ एन इंडोर गेम लिखो, दोनों चलेगा। दोनों चलेगा। अ पिजन, एन ईगल एंड अ क्रो, ये हो जाएगा, दे आर बर्ड्स। आपको डिक्शनरी का यूज करने का था अलाउड। अच्छा, कुछ चीज़ें फिर से पूछ लेते हैं। ग्रुप में आप सभी जुड़ गया टेलीग्राम पे, और डिक्शनरी इंस्टॉल कर लिया कि आप सभी ने? चलिए ठीक है। इट इज़ अ वेरी टॉल बिल्डिंग, इट इज़ अ वेरी टॉल बिल्डिंग। चलो तब ठीक है। अर्थ, मार्स, वीनस एंड जुपिटर, इसका क्या लिखे हो? तो ये तो प्लैनेट्स हैं बच्चा, दे आर प्लैनेट्स। हाँ, दीज भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये ध्यान देना था कि प्लूरल हो सकता है, ये ध्यान देना था। अ ट्यूलिप, तो ये क्या है, फूल होता है बच्चा, तो इट इज अ फ्लावर। अगला था द नाइल, द राइन एंड द मेकोंग, तो दे, ये सभी नदियां हैं, ये सभी क्या है, नदियों के नाम है। दे आर रिवर्स, दीज आर रिवर्स, सब चलेगा। अ वायलिन, अ ट्रम्पेट एंड अ फ्लूट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सभी क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ना ऐसा नहीं है बच्चा, मेकोंग तुम्हारा एशिया में पड़ता है, ठीक है, मेकोंग तुम्हारा क्या है, एशिया में आएगा। राइन जो नदी है तुम्हारी, वो यूरोप में चली जाएगी, स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक है। नाइल सिर्फ आपका अफ्रीका में है। दे आर या दीज आर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये सभी वाद्य यंत्र हैं बच्चा। कल से, मतलब आज से जो एक्सरसाइज होगा ना, उसका आंसर शीट दे देंगे, तो आंसर शीट मैच कर लोगे, और हाँ, सिर्फ नाइल अफ्रीका में, अभिषेक,
उसके बाद क्या है, तो आसानी रहेगी हम लोगों को, समय क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है। अच्छा, रीडिंग कर रहे हो ना सब कोई? रीडिंग की क्लास सबने की थी कल, तो एक छोटा सा काम करोगे, क्योंकि रीडिंग की क्लास में हम नहीं रहते हैं प्रेजेंट, तो तुम सभी लोग, जितने भी लोग क्लास करोगे, वो कमेंट कर दोगे, ये जो नीचे वाला कमेंट होता है उस वाले में, लाइव चैट में नहीं बल्कि बाद में कमेंट कर देना। तो एक तरह से तुम्हारा क्या हो जाएगा, अटेंडेंस बन जाएगा कि हाँ तुम लोगों ने वो क्लास की थी। यहाँ पे तो दिख जाता है, यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ करके हम एक तरह से मार्क कर लेते हैं कि तुम लोग हो, लेकिन वो क्यों रिकॉर्डेड क्लास रहती है तो वहाँ पे नहीं पता चल पाता। तो एक बार तुम लोग क्या वहाँ पे कमेंट कर दोगे तो हमको पता चल जाएगा कि आप लोग थे वहाँ पे। चलिए, शेक्सपियर, तो ही वॉज अ पोएट, राइटर भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि क्या है ना, डिसिप्लिन थोड़ा ज़रूरी है। अगर आप डिसिप्लिन से सारे काम करोगे ना, ड्रामेटिस्ट होता है, ड्रामेटिक नहीं होता, ड्रामेटिस्ट नाउन होता है, ड्रामेटिक एडजेक्टिव होता है। कंपोज़र नहीं था, म्यूज़िक नहीं बनाता था बच्चा, कंपोज़र म्यूज़िक बनाता है, जो म्यूज़िक लिखता है ना उसको कंपोज़र कहते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे डिसिप्लिन की। बस आपको देखो 4 महीने डिसिप्लिन रखना है, 4 महीने में 100% आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। मतलब 100%, मतलब आपको लगेगा कि इतना आसान था, बट वो तब होगा जब सारा चीज़ फॉलो करोगे। डिक्शनरी इंस्टॉल करने कहा, कर लिया आपने, बहुत बढ़िया। रीडिंग करने कहते हैं उसको कीजिए, अपने आप इंग्लिश सुधर जाएगी, इंग्लिश का भूत भाग जाएगा। ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन, ही वॉज अ फिजिसिस्ट या ही वॉज अ साइंटिस्ट, दोनों चलेगा। ग्रेट, हाँ लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वाशिंगटन, लिंकन एंड कैनेडी, तो दे वर अमेरिकन पॉलिटिशियंस या फॉर्मर आर लगाओ, क्योंकि लिंकन जिंदा है ना अभी, तो लिख दो दे आर फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट्स। मार्लिन मुनरो, शी वॉज एन एक्ट्रेस। मतलब हम लोगों को ये एक आदत हो जानी चाहिए कि भाई किसी के भी प्रोफेशन को डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, ये पूरा सेंटेंस शब्द में नहीं लिखे हो ना। हम आज आंसर सबका होमवर्क चेक कर लेंगे टेलीग्राम पे, हम होमवर्क नहीं देख पाए थे। हाँ चलेगा, अमेरिकन एक्ट्रेस भी चलेगा। माइकल जैक्सन एंड जॉन लेनन, तो दे वर सिंगर्स। आगे, वैन गॉग, रेनॉयर, पिकासो, तो देवर पेंटर्स, ये सभी पेंटर थे बच्चा। पेंटर, पेंटर, पेंटिंग नहीं है, पेंटर है। ठीक है। गुड मॉर्निंग धनु। ठीक है, सबको टेलीग्राम से जुड़ जाओगे, अदरवाइज क्या है ना, कोई भी नोटिफिकेशन हम नहीं दे पाएंगे, और जब ये डेमो खत्म हो जाएगा तो क्लास जो होगी ऐप के माध्यम से होगी, तो ऐप भी इंस्टॉल कर लोगे। ये डेमो है सभी को मिल सके, इसलिए यहाँ पे नहीं है। यशस्वी डांसर नहीं था माइकल जैक्सन, माइकल जैक्सन सिंगर था जो नाचता भी था, अपने ही गानों पर नाचता था। सोनी निगम के भी पुराने एल्बम्स देखेंगे तो नाचता हुआ दिखेगा, तो सिंगर है कि डांसर। चलिए देखा जाए बच्चा, सिंगर था, सिंगर, डांसर नहीं था। चलिए, वो सिंगर था जो अपने गानों पे नाचता भी था। चलिए अब देखा जाए बच्चा आगे,
गैरी वर्क्स इन अ रेस्टोरेंट, ही ब्रिंग्स द फूड टू द टेबल्स. क्या बनाया है इसका आपने 12 का, सॉरी 2 नंबर. आंसर लिखते चलोगे सब कोई. ही इज द वेटर. ठीक है. जेन राइट्स आर्टिकल्स फॉर अ न्यूज़पेपर. जेन राइट्स आर्टिकल्स फॉर अ न्यूज़पेपर. जेन फीमेल नेम है बट चलेगा. एक्चुअली कल्चर का बात है, आप उस कल्चर से फेमिलियर नहीं तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा. शी इज अ जर्नलिस्ट. रवि यहां से उठाना था बच्चा ऑप्शन, सारे ऑप्शन यहां से उठाने थे. केविन वर्क्स इन हॉस्पिटल, ही ऑपरेट्स ऑन पीपल, तो ही इज अ सर्जन. ठीक है. जोनाथन कुक्स इन अ रेस्टोरेंट, ही इज अ शेफ. ही इज अ शेफ. डेव इंस्टॉल्स एंड रिपेयर्स वाटर पाइप्स, ही इज अ प्लम्बर. आगे है, मार्टिना टेक्स विजिटर्स राउंड हर सिटी एंड टेल्स देम अबाउट इट, टू शहर में लोगों को घुमाती है और उनको उन जगहों के बारे में बताती है, तो शी इज अ टूर गाइड. लीजा ट्रांसलेट्स व्हाट पीपल आर सेइंग फ्रॉम वन लैंग्वेज इनटू अनदर सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड ईच अदर. लीजा का काम है एक व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को दूसरे व्यक्ति की भाषा में ट्रांसलेट करना, तो वो क्या हो गई. शी इज एन इंटरप्रेटर. ठीक है, एन हो जाएगा ना, एन इंटरप्रेटर. कल से आंसर शीट भी डाल देंगे टेलीग्राम पे, मैच कर लोगे खुद से, अपना होमवर्क चेक कर लोगे. कोई बात नहीं ज्योति बच्चा, इसको देख लोगे दोबारा, होमवर्क मैच कर लोगे. और उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप में ही क्या है ना, क्वेश्चन नंबर या फिर यहाँ कमेंट में क्वेश्चन नंबर डाल दोगे जिसमें जिसमें डाउट रहेगा, तो हम क्या करेंगे, मैच कर देंगे, समय बचेगा. आगे देखोगे, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जहां मैच नहीं करेगा वहां पूछोगे. वुड यू लाइक टू बी एन एक्टर. क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस, सवाल सवाल सवाल, हमेशा कोई ना कोई सवाल तुम पूछते रहते हो. यू आर ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस. बीच में कुछ भी नहीं जाएगा, प्लूरल नाउन है, अकेला रहेगा, सब नहीं जाएगा. सब पे लागू होता है ना, जो बात सब पे लागू होती है उसके लिए प्लूरल नाउन, और कुछ खास पे लागू होगी वहाँ पे यूज़ करेंगे सम. तो जैसे कल हमने बताया था ना कि नींबू में विटामिन सी होता है, तो सभी नींबूओं में विटामिन सी होता है ना, तो लेमन सा रिच इन विटामिन सी, तो तुम हमेशा सवाल पूछते रहते हो, तो यहाँ पे सम नहीं लगेगा, सीधे प्लूरल लिख देंगे. ठीक है, डाउट रहे तो फिर पूछ लेना. डाउट पूछने का सिंपल सा तरीका है, 6 नंबर में दिक्कत है, 6 नंबर के साथ क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन मार्क लगा के कमेंट कर दोगे तो हम समझ जाएंगे. व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन. क्यों बच्चा, क्योंकि गार्डन काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है. आर परचेज होगा या इफ यू वांट टू परचेज होगा प्रिंस. चलिए क्वेश्चन नंबर 8, डैश बर्ड्स, तो यहां सम हो जाएगा बच्चा, सभी पंछी नहीं उड़ पाते हैं, कुछ ही पंछी हैं. चलिए, डू यू लाइक स्टेइंग इन होटल्स. कुछ भी नहीं लगेगा, मतलब होटल में रहना पसंद है या नहीं ये जानना है. प्लूरल के साथ ए कैसे लगा रहे हो शुभांगी बच्चा, होटल्स प्लूरल है ना. सम का मतलब कुछ होटल में. अरे पूर्वक, जो बात सब पे लागू होती है वो प्लूरल. जैसे हम पूछेंगे तुमको तोते पसंद है, मतलब तुमको तोता पसंद है या नहीं, मतलब पैरट होता है ना, तो डू यू लाइक पैरट्स. तुमको कुत्ते पसंद है या नहीं, डू यू लाइक डॉग्स. सम डॉग्स क्यों लिखेंगे, सम तो तब लगाएंगे जब जो बात कुछ पे लागू होती हो, जो बात सब पे लागू होती हो. हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि आपको होटल में रहना पसंद है या नहीं, तो यहाँ प्लूरल लगेगा.
जैसे वो नींबू वाली बात, नींबू में विटामिन सी होता है या नहीं, तो सभी नींबुओं की बात हो रही है ना, ठीक है? ये भी ब्लैंक रहेगा, जहाँ डाउट हो पूछ लेना, 10 नंबर भी ब्लैंक रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे दो पैर होते हैं, तो फीट हमने लिखा प्लूरल, और प्लूरल नाउन के अकेले भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। शरीर के अंग वाला परिभाषा था कि जो अंग गिनती में जितना होता उसके हिसाब से मेंशन करेंगे। जैसे गला एक होता है तो अ लगाएंगे, पैर दो होते हैं तो प्लूरल लिखा। मारिया स्पीक्स इंग्लिश, ठीक है, सम थोड़ा सा सम इंग्लिश, थोड़ी इंग्लिश आती है, बहुत ज़्यादा नहीं आती है, थोड़ी इंग्लिश आती है, ज़्यादा उसको नहीं आती है। 10 में कैसे होगा बच्चा? तुमको पता नहीं तुम्हारे कितने पैर हैं, कितने पैर हैं? देखो यहाँ पे क्या लिखा था, पढ़ाया था हमने आपको कि जब बॉडी पार्ट्स की बात आएगी तो क्या, नाक एक होती है तो अ, फेस एक होता है तो एक, और आंखें दो होती हैं तो सीधे प्लूरल लिख देंगे। तो पैर भी तो दो ही होते हैं ना, तो वहां सम क्यों लगाएंगे? फीट मतलब हो गया मोर देन वन, दो होते हैं पता है। चलिए 11 नंबर, थ्रोट मतलब होता है गला, गला कितना होता है बच्चा आपका, एक, तो अ लगाओ। जैसे नोज सिंगुलर होता है तो अ लगाया। आगे, इट इज अ शेम वी डोंट हैव अ कैमरा, काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, अकेला नहीं आएगा। आई वुड लाइक टू टेक अ पिक्चर, पिक्चर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, अकेला नहीं आएगा। देख याद करो, फालतू चीज़ें हम लोग आज तक याद करते हैं उसको भूलिए, अब ज़रूरी चीज़ें याद कीजिए। काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, अकेला नहीं आएगा, ये सब ज़रूरी पॉइंट है, ठीक है? और रीडिंग का क्लास ज़रूर करोगे, और जो भी लोग रीडिंग की क्लास करेंगे वो बताते रहे कहाँ पे कमेंट करना है, ठीक है? वीडियो के नीचे में कमेंट करना है। लाइव चैट जो अभी हो रहा है ना, अभी हम लोग जो बातचीत कर रहे हो, इसको लाइव चैट कहते हैं, इसमें नहीं करना है। उसमें कमेंट करके कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हो, लेकिन कुछ भी कमेंट कर दोगे तो हमको पता चलेगा कि आपने क्लास की है रीडिंग की, लाइव की या बाद में की, लेकिन करना है। रीडिंग नहीं करोगे इस ग्रामर का कोई फ़ायदा नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यहाँ जो भी पढ़ रहे हो, जैसे पढ़ा सिंगुलर नाउन के साथ ए लगता है, तो उस बुक को डाउनलोड करके वहाँ देखो कि जितना भी सिंगुलर नाउन है वो अकेला तो नहीं आ रहा कहीं पे, कहीं सर ने जो पढ़ा है वो गलत तो नहीं है, ठीक है? दोज आर नाइस शूज, आई एम गोइंग शॉपिंग, आई वॉन्ट टू बाय सम न्यू शूज, ब्लैंक रहेगा तो भी सही, या अ पेयर ऑफ न्यू शूज, तीनों लिख सकते हैं। 13 में सम, सम के साथ तो प्लूरल जाएगा ना, काउंटेबल नाउन। बच्चा दीपक क्या पढ़ाए थे कि सम के साथ अगर काउंटेबल नाउन आएगा तो क्या आएगा, प्लूरल। तो सम तब लिखते जब कैमराज होता, पिक्चर्स होता, तब प्लूरल रहता तो लिखते, लेकिन वहां तो सिंगुलर लिखा हुआ था कैमरा और पिक्चर, तो सम कैसे लिखेंगे? हाँ अ पेयर ऑफ भी लिख सकते हो। हाँ 14 में ब्लैंक लिख सकते हो। नाइस शूज, दो जूते चाहिए होते हैं ना, एक बाएं पैर के लिए एक दाएं पैर के लिए, तो प्लूरल अंडरस्टूड है। एनी क्यों लिखोगे, लिख सकते हो, गलत नहीं है, लेकिन जब हम पढ़ाएंगे ना एडजेक्टिव तो ज़्यादा अच्छा रहेगा वहाँ पे यूज़ करना। अभी वही यूज़ करो ना जो ऑप्शन में दिया हुआ है, ए एन और सम। जैसे जब साइकिल चलाना शुरू करते हैं तो पहले दिन थोड़े ना हाथ छोड़ करके चलाते हैं, पहले दिन क्या करते हैं, पकड़ करके चलाते हैं हैंडल, तो शुरू में क्या, इसी तरह से चलाइए पकड़ के। यू नीड अ वीज़ा टू विजिट सम कंट्रीज, कुछ देशों में जाने के लिए वीज़ा लगता है, कुछ में नहीं लगता है, सम होगा। आगे है, जेन इज अ टीचर, हर पेरेंट्स वर टीचर्स टू। ज्योति नहीं, सारा टॉपिक यूट्यूब पे नहीं पढ़ाएंगे बच्चा, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं। एक बहुत बढ़िया कहावत है, एक बहुत ही सुंदर सी कहावत है, इफ यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री, ठीक है?
इफ़ यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री, और आप हमसे पढ़ लीजिए और एक बार में आप इंग्लिश सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 15 में दिक्कत कैसे रहेगी रवि? कुछ नए जूते खरीदने, ब्लैंक रहेगा तो भी सही है, ये तो बोल दिया हमने। 4 महीने में सीख जाएगा तो सीख जाएगा, खोना क्या है बच्चा, दुनिया में और कौन सी चीज़ मुफ्त मिलती है। आई डोंट बिलीव हिम, ही इज अ लायर, ही इज ऑलवेज टेलिंग लाइज। पैसा खो नहीं रहे, यू आर पेइंग फॉर समथिंग दैट यू आर गेटिंग। और आपको कुछ दिन पढ़ लो, 10 दिन और पढ़ लोगे तो तुम लोग खुद बोलोगे कि सर हाँ यहाँ पे पढ़े तो फ़ायदा हुआ। सम लाइज नहीं बच्चा, सम का मतलब होता है कि यह बात सब पे लागू नहीं होती, वो झूठ बोलता है। तो बोलोगे कुछ खास तरह के झूठ बोलता है, ऐसा थोड़े है। ही इज़ ऑलवेज टेलिंग लाइज, वो हमेशा झूठ ही बोलता है। जो बात सब पे लागू होता है, जैसे आप कहिएगा कि वो अच्छे गाने, वो अच्छा गाता है, तो क्या लिखेंगे? ही सिंग्स सॉन्ग्स। सम सॉन्ग्स कहने का मतलब हो गया कि ये गलत है, वो गाने गाता है। आप सीधे बोलिए ना, वो बात सब पे लागू होती है। चलिए अगला चैप्टर देख लिया जाए बच्चा। दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स, बट यही बेसिक्स अगर कवर रखेंगे ना तो आगे की चीज़ें भी सरल हो जाएंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। समटाइम्स वी यूज़ अ प्लूरल नाउन फॉर वन थिंग दैट हैज़ टू पार्ट्स। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो दो इक्वल पार्ट से मिलके बनी होती हैं बच्चा, दो इक्वल पार्ट से मिलके बनी होती हैं, और दोनों को अलग अलग नहीं यूज़ किया जाता है। और जब भी यूज़ किए जाते हैं तो एक साथ, तो उनके नाम प्लूरल में ही लिखे जाते हैं। जैसे कि ट्राउज़र्स, एक बाएं पैर के लिए एक दाएं पैर के लिए। शॉर्ट्स, एक बाएं पैर के लिए एक दाएं पैर के लिए। ग्लासेस, एक बाएं आँख के लिए एक दाएं आँख के लिए। ये सारे शब्द हमेशा जब भी लिखे जाएंगे तो प्लूरल ही लिखे जाएंगे। हाँ, आप चाहें तो इन सभी के नाम के साथ अ पेयर ऑफ लगा सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरह के बॉर्न प्लूरल, ये सारे शब्द हम नहीं यूज़ करते हैं बच्चा, क्योंकि टीचर का काम क्या होना चाहिए ना, चीज़ों को सरल बनाना। जैसे हम लोग गाय की इज्जत करते हैं ना, क्यों करते हैं गाय की इतनी रिस्पेक्ट बताओ? तो गाय की इतनी रिस्पेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सेल्यूलोज को नहीं डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वह गाय इसी सेल्यूलोज को कंज्यूम करती है घास के रूप में, और फिर हमें एक बहुत ही उपयोगी चीज़ देती है जिसको क्या कहते हैं, मिल्क। पढ़े होगे मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड। तो हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं गाय की कि बाप रे बाप, देखो ये घास फूस खा करके हमें दूध दे रही, घास फूस अगर हम लोग सीधे खाएं तो हमें थोड़े ना कैल्शियम मिल जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से टीचर का क्या काम होना चाहिए कि जो सेल्यूलोज जैसा जो नोट्स है, हम भी तो कहीं से पढ़े होंगे, ग्रामर की किताबें हैं, वहाँ से टेढ़ी टेढ़ी चीज़ें पढ़ करके उसको एक सरल और सुपाच्य रूप में आपके सामने पहुँचाएँ। ये नहीं कि एक टेढ़ी चीज़ उसको और टेढ़ा कर दें कि ये बॉर्न प्लूरल हो गए, एक और नया शब्द याद करो, ठीक है। सीधी बात है कि ये जो टर्म है, ये जो चीज़ें हैं, ये दो इक्वल पार्ट से मिलके बनी है, और जब भी इस्तेमाल होंगी तो एक साथ इस्तेमाल होंगी, इसलिए इनको हम लोग क्या है, प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं। चाहे तो सीधे लिखिए प्लूरल, जैसे माई ट्राउजर्स आर लॉन्ग, या अ पेयर ऑफ लगा दीजिए उसके साथ, ठीक है। सॉरी। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी स्पेलिंग में अंत में एस या सी एस लगा रहता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लूरल हो जाएंगे। जैसे कि एथलेटिक्स, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, जिमनास्टिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, तो इनकी स्पेलिंग है ऐसी, इसका मतलब ये नहीं कि ये प्लूरल हो जाएंगे। इनकी स्पेलिंग इस तरह से लिखी जाती है, बट शब्द वो क्या रहेंगे, हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे, ये ध्यान देना है। जैसे न्यूज़, इसकी भी स्पेलिंग में एस लगा हुआ है लेकिन वो प्लूरल नहीं हो जाता, वो है क्या, सिंगुलर। फिर ध्यान दीजिएगा, थ्योरी में अगर कोई दिक्कत है तो वो कब पता चलेगी कि थ्योरी में हमें दिक्कत हुई थी, बताइए। अगर थ्योरी में कुछ है दिक्कत
तो ये कब जा करके पता चलेगा कि थ्योरी में दिक्कत है? जल्दी रिप्लाई करोगे? हाँ, जब आप उसका एक्सरसाइज बनाइएगा तो अपने आप सारी दिक्कत क्या है सामने आ जाएगी। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन जरूर बनाना है ईमानदारी से। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी स्पेलिंग एस से खत्म होती है और उनको सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में आप यूज़ करते हैं। कुछ ही शब्द होते हैं इसलिए इसको देख लेना है। जैसे मींस, मींस की स्पेलिंग सिंगुलर में भी मींस, प्लूरल में भी मींस। मींस का मतलब होता है साधन, यातायात का साधन, अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के ढेर सारे साधन, मेनी मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। सीरीज मतलब होता है श्रृंखला, सिंगुलर में भी सीरीज और प्लूरल में भी सीरीज। स्पीशीज मतलब होता है जीव की जाति, सिंगुलर में भी स्पीशीज लिखेंगे और प्लूरल में भी। ध्यान रहेगा बच्चा। फिर हम आपको बताए थे ना कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो समूह को डिनोट करते हैं। बच्चा किसको डिनोट करते हैं? ग्रुप को, कलेक्टिव नाउन में पढ़ाए थे। तो इंग्लिश में क्या होता है, ब्रिटिश इंग्लिश में कई बार कलेक्टिव नाउन को प्लूरल की तरह ही ट्रीट करते हैं। कैसे ट्रीट करते हैं बच्चा? प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं। ये डिपेंड करेगा कि वहाँ पे हो क्या रहा है, वहाँ पे हो क्या रहा है उस पे डिपेंड करेगा। तो ये सारे शब्द क्या हैं, दिखने में सिंगुलर लग रहे हैं लेकिन इनको क्या है, प्लूरल की तरह यूज़ किया जा सकता है। ये कलेक्टिव नाउन के वक्त में क्या है, पढ़ा चुके थे, याद आया? कलेक्टिव नाउन ऑफ मल्टीट्यूड पढ़ाए थे। यानी शब्द सिंगुलर हो लेकिन उसको प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे तो उसको क्या पढ़ाए थे, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, याद आया? ज्यूरी का एग्जांपल दिए थे, टीम हैव अराइव्ड का एग्जांपल दिए थे। यही पॉइंट यहाँ पे कहा गया है। स्टाफ का प्लूरल देखो, स्टाफ की कई सारी मीनिंग होती है बच्चा। स्टाफ की मीनिंग होती है छड़ी, उसका प्लूरल होगा। लेकिन ये जो स्टाफ है ना, जिसका मतलब होता है कहीं पे काम करने वाले कर्मचारी, उसका प्लूरल नहीं होगा। ठीक है, ध्यान दोगे ठीक ना? छड़ी होती है, एक मीनिंग क्या होती है, छड़ी, तो उसका प्लूरल होगा। और एक और मीनिंग होती है, एक म्यूजिकल फॉर्म होता है, उसका मीनिंग भी प्लूरल फॉर्म में स्टेफ लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे शब्द यूज़ किया गया उसका मीनिंग होता है कर्मचारी, कहीं पे काम करने वाले लोग, तो उसका प्लूरल नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? वो खुद ही प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाता है। आगे दूसरा क्या होता है ना कि जितने शब्द हैं उतने कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस तभी दूर होगी जब आप ज़्यादा शब्दों को फमिलियराइज कीजिएगा, और इसका एकमात्र तरीका है रीडिंग। तो एक बार तो एडिटोरियल का क्लास कर लिया करो सवेरे वाला, कभी भी रिकॉर्डेड भी देख लोगे बाद में, और एक रीडिंग का जो 12 बजे का क्लास है, ये दो क्लासेस ज़रूर करोगे। जब तक रीडिंग नहीं करोगे तब तक उतने ही शब्दों से फेमिलियर रहोगे जो हम पढ़ा दिए। जैसे हमने इतने शब्द पढ़ाए तो क्या इतने ही नाउन हैं जिनमें दिक्कत हो सकती है? तो ये नाउन कितने हो गए बच्चा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? नहीं, कमेंट्स पर करना बता देंगे। कमेंट बहुत आसान है, इसमें क्या दिक्कत है? बट आप तो मोबाइल पे करेंगे ना, कभी किसी के यूट्यूब वीडियो पे कमेंट नहीं की हो? ये पूरा नाउन यूट्यूब पे पढ़ाएंगे ज्योति बच्चा, उसके बाद ये पेड हो जाएगा बैच, तो इसका ध्यान रखोगे। तो अगर इसके अलावा शब्द जानने हैं तो उसके लिए आपको रीडिंग करनी पड़ेगी। तो 7:30 बजे वाला एडिटोरियल भी पर डे देख लोगे कभी भी जब समय मिले तो, और 12 बजे वाला रीडिंग का क्लास भी कर लोगे जब समय मिले तब। आगे देखते हैं।
पुलिस एक ऐसा शब्द है जो हमेशा प्लूरल होगा, पीपल भी हमेशा प्लूरल होगा, स्टाफ हमेशा प्लूरल होगा, कैटल हमेशा प्लूरल रहेगा, ठीक है। हाँ, अगर गिनना हो आपको कि सर सिंगुलर फिर पुलिस का क्या होगा, तो अ पुलिस ऑफिसर, अ पुलिस मैन, अ पुलिस वुमन, ये सारा सिंगुलर फॉर्म होगा। और फिर से बता दे रहे बच्चा, सब लोग क्या है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे, नहीं तो फिर क्या है होमवर्क नहीं मिल पाएगा, और होमवर्क के साथ साथ इसका जो आंसर देंगे वो भी कैसे मिलाओगे, मैच करने के लिए पीडीएफ चाहिए ना, तो फिर से हम कमेंट में डाल दे रहे हैं, सब लोग टेलीग्राम को क्या करोगे ज्वाइन कर लोगे, अदरवाइज फिर मटेरियल नहीं मिल पाएगा बाद में तुम लोगों को, ठीक है। ये सिर्फ इसी बैच के लिए, ये वाला इसको फॉलो कर लोगे, आगे देखोगे। पर्सन का प्लूरल पर्सन्स नहीं लिखते हैं बच्चा, बल्कि पर्सन का प्लूरल क्या लिखते हैं पीपल। कभी किसी ने पर्सन्स लिखा हुआ देखा है कि नहीं देखा है, पर्सन का प्लूरल पर्सन्स। तो सिर्फ पर्सन का प्लूरल पर्सन्स एक ही जगह लिखा हुआ रहता है बच्चा, कहाँ लिखा हुआ मिलता है पता है, लिफ्ट में, अदरवाइज हर जगह पर्सन का प्लूरल क्या होता है पीपल। अभी तो हम ये भी नहीं कहेंगे कि मॉल जाना, मॉल के लिफ्ट में देख लेना, क्योंकि अभी तो कहीं जा नहीं रहे हम लोग, बट अगर आपके अपार्टमेंट में रहते हैं तो वहाँ पे मिल जाएगा लिखा हुआ। तो पीपल हमेशा प्लूरल की तरह इस्तेमाल होता है, पीपल एक प्लूरल टर्म है। आइएगा नीचे, अगर आप कोई अमाउंट है, पैसा है, समय है या दूरी है, इसको एक इकाई के रूप में एक यूनिट की तरह यूज़ करते हैं, बोलोगे सर मतलब, हम बोलेंगे 10 साल एक काफ़ी लंबा पीरियड होता है, तो ये वाक्य सही है या गलत है। देखो अभिषेक, जो भी है ना इसको नए शब्द की तरह ये समझा दे रहे हैं। देखो expression people, देखोगे पीपल का मतलब देश नहीं होता है, द ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन ऑफ अ कंट्री। कहीं की जनता को क्या कहते हैं, पीपल कहते हैं, वो प्लूरल फॉर्म की तरह यूज करते हैं, द लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं उसके साथ, द लगा देते हैं, ठीक है। आगे फिर देखोगे, मतलब हमने आज तक खुद भी क्या है ना ये शब्द नहीं यूज किया है, मतलब आज तक हम भी क्या है ना क्या कहें, पीपल्स शब्द हम भी नहीं सुने हैं। हाँ, तुम ही लोग उसे या कुछ और बच्चों से हम लोग क्या करते हैं, सुनते आते हैं, ठीक है, कि हाँ पीपल्स होता है, ठीक है, लेकिन वो जो होता है ना कहीं के लोगों को, कहीं की जनता के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, देश के लिए हम आज तक हम भी नहीं यूज़ करते हुए देखे हैं, बट सुनते हैं कि भाई ऐसा पढ़ाया जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखोगे। अब कहाँ से ये आया ये तो हमें भी नहीं पता,
देखो बच्चा, पढ़ाते वक्त में सिर्फ एक डिक्शनरी है एक्स्ट्रा है जो हम आपको बोलते हैं रेफरेंस के लिए आप यूज़ करो, उसके अलावा हम टोटल चीज़ें आपको बता दिए हैं, ठीक है। जो भी चीज़ हैं, जो भी सोर्स हम यूज़ करते हैं, आपको हम धीरे धीरे बता देंगे, बट डिक्शनरी तो फिलहाल आप रखो। चलो, तो ये बात सही है ना, क्योंकि हम बताना चाहते हैं एक पीरियड होता है। उसी तरह से अगर हम बोले कि 10 करोड़ बहुत ज़्यादा होता है, 10 करोड़ एक बहुत बड़ी राशि है, या बोलेंगे 10 करोड़ बहुत बड़ी राशियाँ होती हैं राशि, तो उसी तरह से 50,000 pounds वॉज स्टोलेन, क्योंकि इसको क्या है, आप एक अमाउंट की तरह ले सकते हैं। हम बच्चा, हम यूज करते हैं एक लैपटॉप, एक पीसी और एक स्मार्ट टीवी। लैपटॉप पे क्लास लेते हैं, पीसी पे जो ऐप है उसको देखते हैं, और स्मार्ट टीवी पे यूट्यूब चला करके आपके कमेंट्स देखते हैं। स्मार्ट टीवी है, उसी में कीबोर्ड लगा करके आपके कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। अदरवाइज कैसे पता चलेगा आप क्या पूछ रहे हैं? चलिए आगे देखा जाए, तो ये समझ में आ गया कि अगर एक पूरे अमाउंट को आप सिंगुलर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इसका मतलब एक साथ, जैसे बोलेंगे 3 years इज़ अ लॉन्ग टाइम, 3 साल तो बहुत होता है, 2 miles इजंट वेरी फार टू वॉक, 2 माइल बहुत ज़्यादा नहीं होता है, कोई भी आराम से चल सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। और जो भी दिक्कत है ना, वो आपको नीचे जा कर के क्या है पता चल जाएगी, जब आप इन सवालों को बनाएंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कोई दिक्कत है या नहीं है। हाँ, बट यू हैव टू कीप इन माइंड वन थिंग, आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन उतार करके बनाइएगा, इससे क्या आपको राइटिंग की धीरे धीरे हैबिट पड़ेगी। राइटिंग की हैबिट यहाँ से पड़ेगी, रीडिंग के लिए तो हमने आपको कहा ही है, आई होप सबको बुक मिल गई है ना जिसकी रीडिंग चल रही है दोपहर में। और एक चीज़ हम आपको बता देते हैं बच्चा, ऑनलाइन जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं उन सभी से आपको यहाँ बेहतर साउंड मिलेगा, और आपको जो पिक्चर भी है वो बेहतर रहेगी, मतलब आपको क्लासरूम से बेहतर फीलिंग आएगी, आपको लगेगा कि हाँ क्लास से ज़्यादा बेहतर हमको समझ में आ रहा है। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि माध्यम बदला है तो हमने तरीका भी उस तरह से ही चेंज किया है कि बच्चों को पढ़ते वक्त लगे कि हाँ चलो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो हमको नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि हमको एक्स्ट्रा कुछ मिल रहा है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। तो आई होप ये सारा होमवर्क आप बना लेंगे, हमको कंप्लीट होमवर्क चाहिए आपका, कोई बेईमानी नहीं, कोई शैतानी नहीं। कितने बजे इसका आंसर डाल देंगे ये बताओ, एक एक कोई ये बन जाएगा यहाँ पे, आप नहीं बता रहे हैं ना दीपक, क्योंकि अब आपसे बन जाएगा, हम भी तो रेगुलर पढ़ाते हैं ना, हमको पता है कि आपसे बन जाएगा, लेकिन चलो फिर भी बता देते हैं, यहाँ भी बता देते हैं। सुजन वॉज वियरिंग अ ब्लैक जीन, सही है या गलत ये बताओ, जहाँ सही है वहाँ ओके लिख देंगे, जहाँ गलत है वहाँ छोड़ देंगे। चलो बताओ, सुजन वॉज वियरिंग अ ब्लैक जीन, सही है या गलत? अ पेयर ऑफ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, अ पेयर ऑफ, और जहाँ सही रहेगा वहाँ ओके लिख दोगे, वहाँ क्या लिख दोगे, ओके। अ पेयर ऑफ नहीं भी लगाते तो भी चल जाता, सीधे जीन्स, ब्लैक जीन्स भी लिख देते प्लूरल तो हो जाता, तो ये कर लोगे। तो कल दोपहर में नहीं डालते हैं बच्चा, कल दोपहर में तो फिर देर हो जाएगी ना, आज शाम में 7 बजे डाल देंगे, 7 PM में आंसर दे देंगे, ठीक है, 7 बजे तक बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। फिर मैच कर लोगे, और कल क्लास में सिर्फ जहां जहां डाउट रहेगा वही पूछोगे। डाउट पूछने का तरीका बता देते हैं, देखो यह है 79.4, मान लो तुमको 5 नंबर क्वेश्चन में दिक्कत है, तो यहां तुम लिख दोगे 79.4 का 5, सिर्फ कमेंट में लिख दोगे, हम समझ जाएंगे और हम उसको समझा देंगे, ठीक है।
हाँ संडे ऑफ रहेगा, संडे छुट्टी रहेगी। इतना कर लोगे सब कोई? नहीं, कल तक डालने ठीक है, लेकिन ये तो पर डे का रूटीन रहेगा ना, जब भी एक्सरसाइज बनेगा तो ये तो पर डे का रूटीन रहेगा, तो पर डे 7 बजे तक डाल देंगे सबको। टेलीग्राम को क्या करोगे, फॉलो कर लोगे, और रीडिंग की क्लास में सबका कमेंट हमको चाहिए, तभी हम अटेंडेंस मार्क करेंगे कि हाँ इतने लोगों ने आज रीडिंग की क्लास की है। चलो तब तक के लिए थैंक यू, और कोई भी डाउट हो तो स्क्रीन पे जो नंबर जा रहा है ना वीडियो के नीचे में, उस पर कॉल कर लेना।